कि अगर आप चाहते हैं कि इस रियासती सरकार जो करप्शन पर नंबर वन है, जिनके खिलाफ आज तक केस रजिस्टर हुए उनका टाइम दिया गया 5-5 साल 10-10 साल इंक्वायरी का, गवर्नर साहब हेड करते हैं उसको 26 अक्टूबर को अमेंड करके उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज भी वो टूथलेस टाइगर है। पिछले कई सालों में 15 FIR रोशनी स्कैम में वहां रजिस्टर किए गए, कोई भी चलान कोर्ट में पेश नहीं किया गया। डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर के खिलाफ, KDCs के खिलाफ रोशनी स्कैम में FIR रजिस्टर हुए, लेकिन किसी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं किया गया। एक एग्जाम्पल मैं मौजूदा दूंगा, पिछले आज से दो साल पहले एक कंप्लेंट मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की, वो सुपरिटेंडेंट सरवाल हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, जिसने वहां फेयर प्राइस मेडिकल शॉप उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर के किसी चहेते को अलाट करने के लिए अलाटमेंट करने के बाद उसमें मैनिपुलेशन की, टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया, जिसकी वजह से सरकार को 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ। बिजनेस ने वो कंप्लेंट मेरी फॉरवर्ड की हेल्थ को, हेल्थ वालों ने, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने वो इंक्वायरी कमेटी बनाई, इंक्वायरी कमेटी बना के आज से एक साल पहले वो रिपोर्ट सबमिट कर दी कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूं कि जो रिपोर्ट आज से एक साल पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को दे दी गई, वो आज तक बिजनेस को नहीं दी गई। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 5 बार ये रिमाइंडर निकाले, ये रिमाइंडर्स की कापियां मेरे पास, पिछले एक साल से उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमें दीजिए ताकि उस एक्यूज के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, लेकिन आज तक उनको रिपोर्ट नहीं मिली। और मैं ये बिजनेस को ये बताना चाहूंगा कि आप कितनी ताकत रखते हो, बिजनेस की वो जो रिपोर्ट बिजनेस को नहीं मिली, मैंने वो RTI लगा के 10 रुपए खर्च करके RTI के अंडर बोर्ड और रिपोर्ट आज से एक साल पहले मेरे पास आ गई, लेकिन बिजनेस को आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली। मैं गवर्नर महोदय से दरखास्त करूंगा, गवर्नर साहब आपने इसमें इनको ज्यादा दान तो दिए, यू प्रोवाइडेड टीथ टू देम, लेकिन आपने इनको विल पावर नहीं दी। इनको विल कौन देगा करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए? बड़े बड़े मगरमच्छ को जी छोड़ देते हैं, छोटे मास्टर को, पटवारी को और गिरदावर को पकड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रह गई हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं गवर्नर साहब से कि हमारी रियासत जो हिंदुस्तान में नंबर वन करप्ट स्टेट है, अगर आपका मकसद यही है इस लोगों को क्लीन और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, यहां पर साफ सुथरी छवि वाले लोगों को अपॉइंट किया जाए।